पूर्णिया जिले के सभी विद्यालय में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत एनीमिया बीमारी से बचाव के लिए सभी विद्यालयों में दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए सेवी पंकज कुमार पाठक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पीएचसी कस्बा द्वारा प्रखंड संसाधन केंद्र को दवा उपलब्ध कराई गई है। प्रखंड संसाधन सेवी के द्वारा प्रखंड के अलग अलग विद्यालय में आयरन की गोली बच्चों के बीच वितरण करने के लिए प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय के प्रधान शिक्षक को उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि बच्चों को एनीमिया जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। इसके लिए भारत सरकार द्वारा अभियान चलाई जा रही है। IAS के तहत 1 साल से 10 साल तक के बच्चों को गुलाबी, 19 साल तक के बच्चों को नीली दवा उपलब्ध कराई गई है, ताकि बच्चों को एनीमिया बीमारी से बचाया जा सके। वहीं उक्त मामले में प्रमंडलीय शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सरकार का यह सराहनीय कदम है। ऐसे में बच्चों को आयरन की कमी हो जाती है और एनीमिया बीमारी हो जाता है। इस दवा के सेवन से एनीमिया बीमारी से बच्चों को बचाया जा सकता है। इसलिए सभी विद्यालय के बच्चों को चाहिए कि दवा का प्रयोग कर बीमारी से बचा जा सके। एनीमिया की बीमारी नहीं हो, इसीलिए सरकार की यह योजना है कि गुलाबी जो है गोली वह 1 से 5 वर्ग के बच्चों को खिलाया जाएगा। अब उसके बाद 6 से 10 मैट्रिक तक के बच्चे को, 12 तक के बच्चे को और +2 के बच्चे को भी, 19 वर्ष तक के बच्चे को यह गोली खिलाई जाएगी और इस गोली को खिलाने से कोई बीमारी नहीं होगी। वो जो है एनीमिया की जो बीमारी होती है वह नहीं होगी। यह योजना पूरे बिहार में है और सभी स्कूल को स्कूल के माध्यम से ही स्वास्थ्य विभाग इसका वितरण करना चाहती है और शिक्षक इसको प्रेम से बच्चे को खिलाते हैं और बच्चे इसको खाते हैं और यही योजना है सरकार की। अपना परिचय बताइए। वीरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रमंडलीय उपाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्णिया। उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्णिया। सह अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ कस्बा। एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा एनीमिया मुक्त भारत, उसी के तहत IFA की गोली स्वास्थ्य विभाग मतलब AC के माध्यम से व्यासी संसाधन केंद्र में उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें कि 1 से 10 वर्ष के आयु वर्ष के बच्चों के लिए गुलाबी गोली और उससे अधिक और 19 वर्ष के बच्चों तक के लिए नीली गोली उपलब्ध हुआ है। उसी क्रम में प्राथमिक विद्यालय, मदरसा, मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान को नामांकन के हिसाब से 3 महीने का टैबलेट आज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें उद्देश्य क्या उपलब्ध दवा वितरण करने का? उद्देश्य मूलतः बच्चों में आयरन की कमी है, तो आयरन फॉलिक टैबलेट है। वो आयरन की कमी की वजह से बच्चों में अनेक बीमारियां हो रही हैं। सरकार से विद्यालय के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से और फिर सबको वो आयरन की गोली उपलब्ध करवाने। जो बच्चे विद्यालय तक आएंगे पढ़ने के लिए उनके लिए दवा उपलब्ध करेंगे? आंगनबाड़ी में भी, आंगनबाड़ी कॉलेज के लिए भी, 19 वर्ष तक के बच्चे के लिए। और ये सबको उपलब्ध कराया जा रहा है। अगले 3 महीने का टैबलेट जो हम लोग पढ़ते हैं। लगभग कितने विद्यालय को दिया गया? अभी तक में लगभग 72-73 विद्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। आगे क्या लक्ष्य है? लक्ष्य हमारा 109 विद्यालय है जी। और 3 मेरा बड़ा विद्यालय है, प्लस टू वाला विद्यालय लेके जा चुके हैं। तो मोस्ट प्रायोरिटी भी मंडे तक हम लोग अपना परिचय। मैं पंकज कुमार पाठक, प्रखंड संसाधन सेवी।